हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में एडी यानी कि असिस्टेंट डायरेक्टर पेपर एफपीएससी के थ्रू जो एएसएफ का हुआ है 5 अगस्त 2024 को, इसके फर्स्ट बैच के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिएगा। पेपर की बात करें तो इसमें 70% प्लस एमसीक्यूज testpoint.pk वेबसाइट से आए हैं। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वेबसाइट को जरूर विजिट करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम यंगेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिनलैंड एट द एज ऑफ 34। 34 वर्ष की एज में यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर जो बनी थी फिनलैंड की, वो सेना मेरिन बनी थी। और इसके साथ साथ फिनलैंड की अगर हम बात करें तो ये यूरोप का एक इंपॉर्टेंट कंट्री है, इसका कैपिटल जो है वो हेलसिंकी है, लेकिन सेना मेरिन इसकी यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बनी थी, यानी कि सबसे कम उम्र वजीर आजम बनी थी। विच इज द लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर कंपनी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो सीमेंट प्रोड्यूसिंग जो कंपनी है, सबसे बड़ी जो सीमेंट की पैदावार कंपनी है, उसका नाम लकी सीमेंट है। लकी सीमेंट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्जिद अल अक्सा कहाँ है। मस्जिद अक्सा ये मुसलमानों का पहला जो है वो किबला है, और ये बैतुल मुकद्दस में मौजूद है, यानी कि मौजूदा जो इसराइल है वहाँ मौजूद है। सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस तरह की वीडियोज हम डेली बेसिस पे बनाते हैं। साइबर क्राइम इन पाकिस्तान इज डेल्ट बाय, सो साइबर क्राइम जो है वो FIA जो है इसको डील करता है। FIA स्टैंड फॉर फाइनल जो है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। FIA का फुल फॉर्म है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और ये ही इसको जो है डील करता है साइबर क्राइम को, जो ऑनलाइन जो क्राइम होता है, जो एब्यूज करते हैं, लोगों को ब्लैकमेलिंग करते हैं ऑनलाइन, सो उसको जो डील करता है वो FIA करता है पाकिस्तान में। द टिग्रे वार बिगिंस इन विच कंट्री इन नवंबर 2020। नवंबर 2020 में टिग्रे वार जो है ये कहाँ शुरू हुआ, ये जो है इथोपिया में शुरू हुआ। इथोपिया इसका करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, एक्सप्लोशन ऑफ अनसेफ स्टोर एमोनियम किल्स 218 पीपल इन पोर्ट ऑफ बेरूत लबनान ऑन विच डेट। सो एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था एमोनियम में, जो है एमोनियम का एक स्टोर था, वहां धमाका हुआ था बेरूत लबनान में, जिसमें 218 लोगों की शहादतें हुई है, 218 लोग जो है वो हलाक हो गए थे। ये हादसा जो है 4 अगस्त 2020 को पेश आया था, 4 अगस्त 2020। चैट जीपीटी वाज लॉन्च्ड ऑन विच डेट। सो चैट जीपीटी जो है ये 30 नवंबर 2022 को इसे लॉन्च किया गया था। हु इज द करंट सुल्तान ऑफ ओमान। ओमान के जो मौजूदा सुल्तान है, इनका नाम हैसम बिन तारिक है। हैसम बिन तारिक इसका करेक्ट आंसर है। माउंट किलिमंजारो इज लोकेटेड इन विच कंट्री। माउंट किलिमंजारो जो है ये तंजानिया में लोकेटेड है। कौन से नबी मछली के पेट में रहे, सो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में रहे, कुएं में जो है वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है उनको भाइयों ने जो है ना कुएं में डाला था। नमाज कब फर्ज हुई, नमाज जो है मेराज के वक्त फर्ज हुई। और इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदीने का पुराना नाम क्या था। मदीने का पुराना नाम यसरब था। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, स्काई वाज ग्रे वी डैश ऑन आवर पिकनिक, सो वी डिड गो ऑन आवर पिकनिक, सो यही इसका करेक्ट आंसर है। लोकेशन का मतलब क्या है, लोकेशन का मतलब होता है टारगेट, यानी कि बहुत ज्यादा बातें करने वाले को लोकेशन कहते हैं। और इसके साथ ही इज डैश मी फॉर पोजिंग हिम, ही इज वेक्स्ड विद मी फॉर पोजिंग हिम, यही इसका करेक्ट आंसर है। वेक्स्ड विद समवन का मतलब होता है किसी से नाराज होना। दे शुड हैव वर्कड हार्ड, शुडंट दे, शुडंट दे इसका करेक्ट आंसर है। लिसन एंड प्रैक्टिस इज
लिंक डिस्क्रिप्शन